अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आज की जो खबर है वो हिसार जिले के हांसी कस्बे की है और हांसी में एक वारदात को अंजाम दिया गया। एक जेजेपी नेता रविंदर सैनी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। रविंदर सैनी जो है वो जननायक जनता पार्टी का नेता था और हांसी में ही हीरो का शोरूम चला रहा था। सैनी हीरो एजेंसी के नाम से उनकी अपनी हीरो की एजेंसी है और ये जो सिस्टम है ये लगातार चलता आने लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही हिसार में एक इनेलो नेता जो कि महिंद्रा शोरूम चलाव है उसके ऊपर भी फायरिंग करी गई थी। अब तक उसके भी कोई भी जिसने फायरिंग करी थी वो कोई नहीं पकड़ा गया है। आज वाली जो वारदात हुई है, आज जिसमें रविंदर सैनी की मौत हुई है, हत्या हुई है, इसमें भी पिछले 3 साल पहले, 3 साल पहले रविंद्र सैनी के लिए 3 लड़के गिरफ्तार करे गए थे जिसमें वो हथियार समेत थे आए थे। उनके हाथ में हथियार थे और उनको जब सख्ती से पूछा गया था उन्होंने कबूला था कि भाई हम रविंद्र सैनी की हत्या करने के लिए आए हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इनको एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी रख रखा था इसने, और एक पुलिस वाला भी लगातार इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड रहा करता, हमेशा इसके साथ एक गनमैन रहा करता। और ये गनमैन जो है आज भी इसके साथ था। गनमैन जो बता रहा है भाई, जिस तरीके से गनमैन के बयान वायरल हुए हैं कि भाई गनमैन थोड़ी सी दूरी पर खड़ा था, 7-8 कदम दूर था, 7-8 मीटर दूर होगा जब इसके ऊपर ये हमला हुआ। बाइक सवार हैं, 2-3 लड़के बाइक पे आए हैं, उन आकर इसको 3 गोलियां मारी हैं। मौके पर ही लगभग इसकी मौत हो चुकी थी नेताजी की, और इसको बाद में हांसी के नागरिक अस्पताल में लेके गए, वहां पर इसको मृत घोषित कर दिया। पिछले काफी सालों से थोड़ी सी इसके बारे में मैं बता दूं, पहले भी जो ये रविंदर सैनी है इसके ऊपर वारदात होने के चांस हुए थे तो इसने गनमैन ले लिया था, लेकिन पहले भी ये किसी न किसी केस में गवाही दे रहा था और उस गवाही को ही हटाने के लिए इसके ऊपर दोबारा से हमला हुआ और जिसमें इसकी मौत हो गई। वारदात लगातार होने लग रही है। आज जो है मौके पर पूरा परिवार भी पोस्टमार्टम के लिए जैसे ही डेड बॉडी को लेके गया गया है वहां पर पूरा परिवार भी है, और हांसी जो बाजार के जो प्रधान हैं वे भी हैं और मार्केट के जो प्रधान हैं वे भी हैं, और सब के सब एकजुट खड़े हैं कि भाई हांसी में गुंडागर्दी को नहीं पनपने दिया जाएगा, यहाँ पे जो बदमाश है उनको नहीं जगह दी जाओगी, हम सब इकट्ठे होंगे, खुद की भी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। भाई वो तो जी उस उन्होंने किया है। मैं थोड़ा अंदर था शोरूम में, मैं निकल गया तो बाद में मैंने फायर भी अच्छा, आप रविंदर सैनी के गनमैन थे तो जब ये गोलियां चली हैं तो आप कहाँ पर साथ में थे, कहाँ पर थे आप? मैं थोड़ा दूरी पे था जी, 7-8 मीटर की दूरी पे। हाँ जी, तो ये कैसे कैसे हुआ, वो बाहर खड़े थे शोरूम के, किस वक्त कैसे हुआ है? वो जी शोरूम से बाहर थे दीवार के साइड में। हाँ जी, अच्छा आप दूरी पे थे। हाँ हाँ उनसे हाँ तो आपको पता तो लग गया होगा, पहली गोली जब चली गई फायर हो गया कोई? हाँ पता लग गया, मैं जब ही आ गया था बाहर। जवाब में कोई आपने भी कोई गोली चलाई? मैंने कोक कर ली थी, फायर खोलने की कोशिश की, इतनी देर में निकल के साइड में एक रेडी वाला था वो आगे खड़ा, मैंने उसको बोला भाई साइड में हो थोड़ा, वो साइड में हो, इतनी देर में वो निकल गए। क्या उन्होंने कहाँ पे मारी गोली उनको, कैसे लगा? एक तो चेस्ट में है जी, एक सर में लगी हुई है। अच्छा, मतलब बड़ी नजदीक से गोली मारी गई है। हाँ जी, कोई पहचान में आया, कैसे लोग थे? एज थी करीब, पहचान में तो नहीं आए, अननोन थे, लेकिन एज उनकी करीब थी 24-25। कौन से बाइक पे रहे? नहीं चेहरा नहीं ढक रखा, चेहरा नहीं ढका हुआ था। नहीं, तीन थी। बाइक का नंबर वगैरह कुछ आया पहचान? रविंद्र सैनी को कोई धमकी मिली हुई थी कल? इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता, इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता कि आज हमने हमारे बीच का एक साथी खो दिया है, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। पुलिस की नाकामयाबी है, हिसार में कुछ नहीं कर पाए, हांसी में भी उठनों के हौसले हो गए, लेकिन किसी भी कीमत पे हांसी में गुंडा राज पनपने नहीं दिया जाएगा, चाहे हमारे को भी कुर्बान क्यों ना होना पड़े। कल मैंने देखा था उनको जेजेपी, दुष्यंत चौटाला जब आए हुए थे, जेजेपी के चूंकि नेता हैं तो उनकी मीटिंग में भी वो मौजूद थे और थे। ये पहले भी इनके पर हमला हुआ था, मुकदमे दर्ज हुए थे, वही चल रहा है, तो किस तरह की कुछ लगती है? गनमैन इनको मिला हुआ था, गनमैन बेबस नजर आया, उसने वो कुछ नहीं कर पाया गनमैन, जबकि उसके पास कार्बाइन थी, कहता मैंने कोक की, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। देखो ये इस बार विषय में तो गनमैन ही बताएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि पिछले 10-12 साल से गनमैन उनके पास था,
क्योंकि पहले भी वारदात हुई थी और उस मुलजिम को इन्होंने गवाही दे करके सजा भी दिलवाई थी, लेकिन उसका खमियाजा आज इन्होंने भुगता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में पुलिस को मजबूर कर देंगे, गुंडों को सलाखों के पीछे देने के लिए मजबूर करेंगे। आज की ताजा खबर है भाई, इस वीडियो को साथ के साथ कर दो शेयर और मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम सारे भैया।